आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है, आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज कर सकते हैं जिससे फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर में काफी सारे क्लाउड ऐप स्टोरेज अब अवेलेबल होते हैं पहले से, ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप अपने फोन से फालतू का डेटा हटा देंगे तो इससे फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि फोन से फालतू का डेटा हटा के फोन का स्टोरेज आप कैसे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूं। गैलरी में देखिए राइट साइड के टॉप पर ये छोटी सी प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है। आपका एक पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो ये बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा हुआ दिखेगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में भी बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है, ठीक है। देखिए अगला काम ये करना है, आपके फोन की जो गैलरी है ना, फोन की गैलरी में आपकी जितनी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है ना, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट कर देनी है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप है ना, उन सभी फालतू के आपको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन को आप सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए दोस्तों, रीसेट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जो भी बाकी का बचा हुआ डेटा है उसका आपको बैकअप ले लेना है अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीके आपको यूज करने से आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा, ठीक है।